नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे कोई कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बनने के योग है। तो सबसे पहले उसके लिए कौन से रूल्स लागू पड़ते हैं। पहला नियम है कि फर्स्ट हाउस के साथ गुरु का संबंध होना चाहिए और सेकंड नियम के अनुसार फर्स्ट हाउस के साथ बुध का संबंध होना चाहिए। अगर ये दोनों स्वामी के संबंध फर्स्ट हाउस के साथ बनते हैं तो वो ज्योतिषाचार्य बनेगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कुंडली में देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथुन राशि है जिसका लॉर्ड बुध बनता है। तो यहाँ पे जो सेकंड नियम था वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, फर्स्ट हाउस के साथ बुध का संबंध। और फर्स्ट नियम जो है कि फर्स्ट हाउस के साथ गुरु का संबंध, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बुध है जो कि गुरु के साथ ही विराजमान है, तो उसके मुताबिक फर्स्ट हाउस का संबंध गुरु के साथ भी हो गया। तो इसलिए यहाँ पे दोनों नियम लागू पड़ने की वजह से ये कुंडली ज्योतिष व्यक्ति की है। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी राशि है। फर्स्ट हाउस में मीन लग्न है और मीन लग्न का स्वामी बनता है गुरु जो यहाँ पे बुध की राशि में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट नियम है वो लागू पड़ता है। तो और हम सेकंड नियम के अनुसार देखेंगे कि बुध का संबंध कैसे हो रहा है। यहाँ पे मीन लग्न होने के कारण और सेवन हाउस में बुध होने के कारण बुध डायरेक्ट फर्स्ट हाउस में देख रहा है। तो इसीलिए दोनों नियम यहाँ पे लागू पड़ने के बेस पे ये भी ज्योतिष की कुंडली है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। और जल्दी ही हम मिलेंगे सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, और ये सब मेरे गुरुजी की वजह से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच टू माय गुरुजी।